इंडिया UIUX के डिजाइन एंड डेवलपमेंट न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले न्यूज है कोरल से। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर है तो कोरल ड्रॉ तो आप जानते ही होंगे। कोरल ड्रॉ जिस कंपनी ने बनाया उसका नाम है कोरल, बट अब कोरल का नाम बदल दिया जा रहा है। कोरल का नया नाम है अलूडो। अलूडो, आई डोंट नो इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ये है उनका नया लोगो। ये लोगो डिजाइन किया है इंग्लैंड के एक डिजाइन स्टूडियो ने, जो बहुत ही पॉपुलर है, जिन्होंने प्रीमियर लीग, अली पे जैसे बड़े बड़े लोगो बनाए। अलूडो के सीईओ ने कहा है कि कोरल आने वाले समय में बहुत ही नए नए फीचर्स लाने वाला है अपने प्रोडक्ट में, और इसीलिए एक नया ब्रांड की बहुत ज्यादा जरूरत थी, एक नया नाम का बहुत ज्यादा जरूरत था। आपको ये नाम कैसे लगा कमेंट्स में बताएं। अगली न्यूज है एडोबे से। हर कोई जानता है कि एडोबे ने फिग्मा को एक्वायर कर लिया है $20 मिलियन में। अब $20 मिलियन कितने होते हैं इंडियन रुपीज में? वेल, इस एक्विजिशन से बहुत सारे लोग नाराज हैं, बहुत सारे लोग खुश भी है। समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होने वाला है। क्या फिग्मा और एडोबे XD ये दोनों कंबाइन हो जाएगा, या उसका नाम हो जाएगा फिग्मा डोबे, या फिर एडोबे XD को कम्प्लीटली बंद कर दिया जाएगा, या फिर ये सिर्फ पेड वर्जन होगा, फ्री वर्जन नहीं होगा, पता नहीं। डिजाइनर्स बहुत सारे अलग अलग बातें कर रहे हैं और एडोबे आगे क्या करने वाला है। जो भी होगा इस चैनल में आपको डेफिनेटली बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगली न्यूज है आईफोन 14 से। डोंट वरी, मैं आपको आईफोन 14 का यार रिव्यू नहीं दे रहा हूँ और ना ही बेच रहा हूँ। अब आईफोन 14 प्रो का फोटोशॉप का मॉकअप अवेलेबल है इंटरनेट पे। आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लिंक पे आप क्लिक कीजिए और ये डिस्काउंट कोड वहाँ डाल देंगे तो आपको $0 में आप ये डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज भी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इसे डाउनलोड कीजिए। अगली न्यूज है जूम से। जूम तो आप जानते ही हैं कि लॉकडाउन में ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए ऑफिस में, घर में बहुत ज्यादा लोग इसको यूज करते थे। अब जूम ने क्या किया है, उनके लोगो को चेंज कर दिया है। बहुत सारे जीरोस यहाँ पे ऐड हो गए। ये है पुराना जूम का लोगो और है नया लोगो। अब बहुत सारे लोग जूम के लोगो को गूगल के लोगो से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सिमिलर लग रहा है। जूम का कहना है कि उनका नया लोगो रिप्रेजेंट करता है उनके जूम के अलग अलग फीचर्स को, यानी बहुत सारे फीचर्स और फंक्शनैलिटी जूम के अंदर है, वो सारी चीजें जूम के लोगो के अंदर से दिखाई दे रही है, इसीलिए ये स्टेप लिया गया है। आपको जूम का नया लोगो कैसे लगा प्लीज कमेंट में मुझे बताइए। अगली न्यूज है कैनवा से। कैनवा तो आप जानते ही हैं, बहुत सारे डिजाइनर्स, UI डिजाइनर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स या सोशल मीडिया डिजाइनर्स इसको यूज करते हैं। कैनवा ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जैसे कि कैनवा डॉक्यूमेंट, कैनवा वेबसाइट, कैनवा व्हाइट बोर्ड और कैनवा का डेटा विजुअलाइजेशन। कैनवा ने कहा है कि उनके जो प्रीमियम क्लाइंट्स है, जैसे कि फेडेक्स है, सेल्सफोर्स है और 4.5 मिलियन पेड कस्टमर है, उनके लिए ये नए प्रोडक्ट बहुत हेल्प होंगे और आगे चलकर उनके और भी कस्टमर बेस बढ़ जाएंगे। कैनवा ने गूगल के डॉक को और माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के प्रोडक्ट को यहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन दिया है। देखते हैं आगे जाके कैनवा कितना सक्सेस होता है। तो अगर आप भी कैनवा यूज करते हैं तो कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप उसको किस तरीके से यूज करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप ये डिजाइन एंड डेवलपमेंट रिलेटेड न्यूज आपको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।